Good morning, students. How are you? Today we will do back exercise of lesson 7, Healthy Habits. Students, do you know what are good habits? First, we revise small little poems. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Students, you all must be knowing this poem. आप सब इस पोएम को जानते हैं ना कि हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए. इससे क्या होते हैं, हम लोग हेल्दी वेल्दी वॉइस बनते हैं. स्टूडेंट्स, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू? फर्स्ट यू गो टू द वॉशरूम. जब आप सुबह उठते हैं तब क्या करते हैं, सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं. एंड आफ्टर दैट You should brush your teeth. तो उसके बाद आपको ब्रश करना चाहिए. And then after take a bath every day. और हमें डेली नहाना भी चाहिए. So students, we must follow some good habits to keep us fit and healthy. कि हमें जो है फिट और हेल्दी रहने के लिए कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. तो आज हम इस लेसन के बैक एक्सरसाइज करेंगे. Let's start. Back exercise of lesson 7, Healthy Habits. Question number 1. Tick the correct answer. अब हमने क्या करना है, इस सेंटेंस को रीड करना है. नीचे हमारे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं. जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह हमने टिक करना है. We should trim our nails with a. हमें अपने नेल्स किसे ट्रिम करने चाहिए, नाइफ से या नेल कटर से? नेल कटर. नेल कटर इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड, Our clothes should be clean and dash. हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, क्लीन और कैसे, आयरन या वेट. आयरन होते प्रेस और वेट होते गीले. तो क्या आंसर क्या हमारा आएगा, आयरन. थर्ड, वी शुड टेक आर मील्स एट. हमें मील्स जो है कैसे खाना चाहिए, नाइट ओनली या प्रॉपर टाइम. सिर्फ हमें रात को खाना चाहिए या प्रॉपर टाइम में खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम. क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ हम टी लिखेंगे और जो फॉल्स है वहाँ हम एफ लिखेंगे. फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज कीप्स अस एक्टिव. एक्सरसाइज करने से हम क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं. ये करेक्ट है या रॉन्ग है, करेक्ट है ना ये. तो क्या आएगा हमारा, टी, ट्रू. सेकेंड, वी शुड गो टू बेड लेट एट नाइट. हमें रात को लेट सोना चाहिए, बेड पर सोने के लिए लेट देर से जाना चाहिए. तो क्या अच्छी हैबिट है, नो ना. तो ये क्या आएगा, फॉल्स. पेज नंबर 41, नंबर 3. वी शुड टेक अ बाथ डेली. हमें डेली नहाना चाहिए. तो अच्छी हैबिट है ना, गुड हैबिट है ये. तो क्या आएगा, ट्रू. नंबर 4, रेस्ट रिफ्रेशिज आर बॉडी एंड ब्रेन. रेस्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी और ब्रेन जो है रिफ्रेश होते हैं, तरोताज़ा होते हैं. तो ये भी क्या है, ट्रू. नंबर 5, वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग. हमें जो है खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए. तो ये क्या है, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बुक्स. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो हमने जो राइट वर्ड हमने चूज करने हैं और यहाँ पर फिल करने हैं. फर्स्ट, वी मस्ट हैव डैश हैबिट टू स्टे हेल्दी. क्या है, वी मस्ट डैश हैबिट्स टू स्टे हेल्दी. तो कौन सी हैबिट होती जो हमें हेल्दी रखती है, गुड हैबिट्स. वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स. नेक्स्ट, गेट अप डैश इन द मॉर्निंग. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अभी मैंने आपको पोएम बताई थी, सुनाई थी ना मैंने पोएम आपको. तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ इन द डैश एंड नाइट. हमें कब को ब्रश करना चाहिए, नाइट में और मॉर्निंग. मॉर्निंग एंड एट नाइट, मॉर्निंग आएगा यहाँ पर, morning. नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, वी शुड टेक डैश रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट.
proper rest. And question number D, tick the things you do. आपने क्या करना है, जो चीज़ें आप करते हो वह हमने टिक करना है, और जो आप नहीं करते वह हमने क्रॉस करना है. फर्स्ट है, डू यू ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एट नाइट. क्या आप मॉर्निंग में और नाइट में ब्रश करते हैं टीथ पर? यस. तो यहाँ पर क्या आएगा, टिक आएगा. डू यू टेक अ बाथ एवरी डे. क्या आप डेली नहाते हो? यस, नहाते हो ना. डू यू वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग. क्या आप खाना खाते हुए टीवी देखते हो? देखते हो? नहीं ना. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या हमें जो है खाना खाते हुए टीवी देखना चाहिए? क्रॉस. डू यू वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील. हमें जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले और बाद में हमें, हम जो अपने हैंड वॉश करते हैं ना, तो क्या करेंगे हम, टिक करेंगे. डू यू कॉम्ब योर हेयर एट लीस्ट टू टाइम्स अ डे. हमें दिन में टू टाइम्स जो है कॉम्ब करनी चाहिए, तो ये भी क्या आएगा, टिक. स्टूडेंट्स, डू बैक एक्सरसाइज ऑफ लेसन 7 इन योर ईवीएस बुक. थैंक यू.